कम्युनिकेशन गैप आज की डेट में इतना ज्यादा हो गया कि दैट हैज रिजल्टेड इन जनरेशन गैप एज वेल टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज अ फैक्टर जिससे जनरेशन गैप हो गया आज बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पिताजी या मेरी माता जी मेरे से तीस साल बड़ी हैं वो आज के युग की, की बिहेवियर पैटर्न को नहीं समझ रही उन्होंने एमटीवी का कल्चर नहीं अडॉप्ट किया उन्होंने गूगल पे सर्च नहीं किया एज ए पेरेंट मुझे भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा जानते इन अ कन्वर्सेशन विद योर सबोर्डिनेट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ टाइम डू यू गिव टू देम लिसनिंग एक समय था आज से 10 15 वर्ष पहले तक कि मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ ठीक था ही नहीं अपना मैं टेंपर लूज कर जाता था आ, मैं ये समझता था कि मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना उनकी ड्यूटी है तो ये जब हमने डायग्नोज़ किया कि भाई आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट तो मैंने उसको अपना धीरे धीरे अपने आप को सीख के ठीक किया रेस्पेक्टेड फैकल्टी एंड डियर स्टूडेंट्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो माई डियर व्यूअर्स सिटिंग एट होम एंड वॉचिंग दिस शो वेलकम टू यू ऑल डी शो जो है ये बहुत से लोग समझते हैं कि कैसे पैसा बनाया जाए उसी के बारे में बात करता लेकिन मैं इस प्रकार से कहूँगा कि कैसे कामयाब हों जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल रहें और सक्सेस के मायने क्या पैरामीटर्स क्या मेरे विचार से यदि हम जिंदगी में खुश हैं अगर हम जिंदगी का एंजॉय कर रहे हैं आनंद ले रहे हैं तो वही सक्सेस है लेकिन हमको ऐसा भी देखने को मिला और एटलीस्ट मैं अपने तजुर्बे से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे भी मौके ज़िंदगी में आए कि हमने अगर ठीक से अपनी बात को सामने वालों को नहीं कहा अपना अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं किया तो भी कई प्रकार की गलतफहमियां, कई प्रकार के फेल्योर्स इत्यादि इत्यादि सामने आते हैं इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन का ज़िंदगी के कामयाब होने में या ज़िंदगी की खुशियाँ मिलने में कितना और कितना महत्वपूर्ण है ज़रूरी है या एक केवल ये वर्ड है या केवल एक शब्द है इस कम्युनिकेशन के मायने आप लोगों को क्या समझ में आता हालांकि अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लैटिन भाषा में कम्युनिकेयर सी ए आर ई -E, कम्युनिकेयर को धीरे 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 उसको कम्युनिकेशन में बदला गया या बदल गया कम्युनिकेशन मींस टू पार्टिसिपेट आप कम्युनिटी में डिस्कशन कर रहे हैं उसको कॉमन कर रहे हैं <laughs> या अपनी बात को अपने मन की किसी भी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं दैट इज़ वाट द कम्युनिकेशन इज और एक बड़ी अगर इस पर जो थोड़ा सा मैंने काम किया रिसर्च किया तो एक बात समझ में आई अगर भारतवर्ष की पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट अगर आप देखें तो 60% परसेंट लोग उसमें जो थे वो लोग मेरे हिसाब से कम्युनिकेटर्स थे लेकिन उनका प्रोफेशन जो था वो वकालत का प्रोफेशन था मुझे नहीं पता आपको ये बात वाकई सही लगती है कि नहीं यानी सिक्सटी परसेंट पार्लियामेंटेरियन वकील लोग थे यानी इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब वकील कोर्ट में खड़ा होता है और अपने मुवक्किल का अपने क्लाइंट का जब वो पक्ष जज के सामने रखता है उसके पास स्किल क्या है दो ही स्किल उसके पास हैं एक तो नॉलेज ऑफ द लॉ और दूसरा हाउ टू कम्युनिकेट द कम्युनिकेशन स्किल इन दो ही चीज़ों की वजह से वो कामयाब वकील या फेल्ड वकील बन जाता है। और इसी कड़ी को अगर एक कदम हम आगे लें तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा लगेगा कि ये ही लोग ऐसे थे जो पब्लिक के साथ बड़े अच्छे रूप से कम्युनिकेट कर सकते थे तो लीडर बन गए गुड कम्युनिकेटर इज कैन हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गुड लीडरशिप ऑल्सो आपके मन में क्या इसके अलावा आता है कम्युनिकेशन के मायने क्या एवरी कम्युनिकेशन शुड अ ऑब्जेक्टिव एंड द कम्युनिकेटर शुड गेट दैट रिजल्ट ऑफ वी वॉन्ट्स टू गेट जी संवाद हर व्यक्ति को आनंद से भर सकता है तो साथ में ही उसको दुख से भी भर सकता है किसी छोटी सी बच्ची की किलकारी सुनिए उस किलकारी को सुन करके ही आपको इतना आनंद आएगा कि पूरे दिन की थकान एक सेकंड में गायब हो जाएगी कबीर ने कहा है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए को शीतल करे हो शीतल होए। यानी शब्दों के अंदर वो जादू है जिनसे हम चाहें तो अपने आसपास के जहां को स्वर्ग में बदल सकते हैं और यही वो वाण हैं जिनसे पूरे स्वर्ग को नरक में बदल सकते हैं धन्यवाद चलिए बड़ा अच्छा पर मेरा मानना है कि अगर हमारी जैसे फीलिंग को भी अगर हम ठीक तरह से अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और हमारे सामने वाले समझ पा रहे हैं तो वो भी एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन करने के लिए हमें शब्दों सपोज अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या फिर इंग्लिश में बोल रहा हूँ और सामने वाले को ये दोनों लैंग्वेज नहीं आती है तो वहाँ पर ये फेल हो जाएगा अगर हम ठीक तरह से हम कम्युनिकेट हम थ्रू एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं तो इन दैट केस से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो सकता है बिना शब्दों के वेरी गुड दिस इज वेरी गुड आंसर वेरी गुड एक्सप्रेशन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट द कम्युनिकेशन नंबर वन जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझे उसी को उसी रूप से ले और कम्युनिकेशन को ज़रूरी नहीं है केवल शब्दों से किया जाए आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके दूसरे एक्सप्रेशन बहुत कुछ चीज़ें कम्युनिकेट कर देते हैं बल्कि पहले तो ये कहा जाता था कि जो एक्सप्रेस करने के मोड्स शब्दों में थे ही नहीं अगर प्रेम का इजहार किसी को करना है तो और बातों से करते थे ना कि शब्दों से कम्युनिकेशन संवाद एक एक स्पेक्ट्रम लोए स्टैंड पे जो है वो आपको कहता कि कम्युनिकेट करो तो सही बातचीत करो तो सही संवाद करो तो सही बात करो तो सही और अदर एक्सट्रीम थिंग इज के उसका रिजल्ट समाज देश सब पे क्या होता है दैट इज दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन बाकी सब चीज़ें बीच में आ जाती हैं चाहे वो मार्केटिंग है सेल्फ एक्सप्रेशन है चाहे आ, अपने बात को ठीक रूप से पहुंचाना है चाहे किसी को कन्विंस करना है ये सब चीज़ें इस एंड से ले कर इस एंड के बीच में आ जाती है कम्युनिकेशन इज़ ए वास्ट वेरी बिग कैनवस मैं अपना एक आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे जैसे लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा होती जा रही थी परिवार पर मेरे पर बम्बई में रहते हुए उन्नीस में जब बम्बई गया तो एक घर लिया था तो जैसे जैसे समृद्धि आती है तो घर में भी और घर में बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो पत्नी का बच्चों का रोज़ प्रेशर होता था कि बड़ा घर लो साहब बड़ा घर लो और मैं उनको एक बात कहता था यार मैं मैं हूँ घर में रहता हूँ और दो बेटे बेटे हैं मेरे एक बेटी है हम छोटे घर में रह के भी तीन तीन दिन आपस में बात नहीं कर पाते हैं बड़ा घर ले लिया तो शायद दस दिन भी बात नहीं कर पाएंगे छोटे घर में आप आते जाते कहीं ना कहीं टकराएंगे आपस में बातचीत होगी हेलो हाय होगी कुछ तो होगा खैर ये एक लाइटर वेन में बात हुई लेकिन बहुत सी हम लोगों के जो एटमोसफियर वातावरण जिसको कुछ भी कहें हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते भारतीय लोग टॉकेटिव भी नहीं है कम्युनिकेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है मुझे नहीं पता आप इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे सहमत हैं इस बात से जी आप क्या कहेंगे बताइए यह सफल कम्युनिकेशन के लिए हमारे इंडिया में हमारी एक मातृभाषा होनी चाहिए हम नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी अच्छी तरह बोलते हैं साउथ इंडिया में जाते हैं तो तेलुगु बोलते हैं वहाँ इंग्लिश बोलते हैं इधर के लोग उधर जाते तो परेशान हो जाते उनको सब्ज़ी खरीदने के लिए भी टेंशन आती तो हम तो हम, नहीं, हम नहीं, मैं मैं अब तक सोलह स्टेट घुमाऊँ तो मैं सारे ये देखता हूँ तो मराठी नहीं आती वहाँ मुझे मुझे कुछ कुछ दिक्कतें आती तो हमारे देश की एक मातृभाषा होनी चाहिए पर इस बात से क्या कहेंगे जब एक कवि ने कहा गाना गाया बोल रहे पपीहरा एक मन प्यासा एक मन तरसे बोल रहे पपियारा वो कभी पपीहेरे को कह रहा कि मेरी बात मेरे बिलाउ तक पहुंचाइए उस भाषा को क्या कहेंगे आप आप कहते देश भर की एक भाषा होनी चाहिए हम हम वन इंडियन के नाम से मशहूर हैं हम हिंदू हमारी एक देश है हम वर्ल्ड में चार नामों से जाने जाते हैं वो चार नाम हमारे बिहार से ही आता है बी फॉर भारत आई फॉर इंडिया फॉर हिंदुस्तान फॉर बिहार से ही आते हैं चलिए आप आप अपने अब अब की बार अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जरूर लड़िए चलिए बहुत अच्छा।, अच्छा अच्छा अभी एक हमारे पास कॉलर है प्रणव पटेल जी है बड़ोदरा से सर आई एम वर्किंग प्रोफेशनल मीन आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग

जनरली दिस इज ए प्रॉब्लम सो मनी पीपल सेट माई बोस इज़ नॉट हैप्पी विथ मी माई बोस इज़ नॉट लिसनिंग मी माई बोस डजेंट नो वाट आई एम वर्किंग बिकॉज बोस इज सो बिजी ही इज हैविंग सो मेनी पीपल इन द टीम सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सबोर्डिनेट ऑर द असिसटेंट ही हैज़ टू अप्राइज इज बोस वाट इज डूइंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सक्सीड इन द लाइफ तो यहाँ प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि पटेल साहब के आप अपना प्रयास करिए ताकि आप उनको कम्युनिकेट कर सकें आपकी जो समस्या yes, है और yes. कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़रूरी बात है कि जो बात आप कहना चाहते हैं yes, उसको खुल के ठीक तरीके से और शांति yes. बनाए रखते हुए पेशेंस रखते हुए आप उनके सामने कहिए